आगामी लोकसभा चुनावों के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर ज्यादा मुश्किल नहीं होने की उम्मीद है। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि लोकसभा की 3/4 से ज्यादा सीट पर स्थिति लगभग साफ है। गठबंधन की अगली बैठक आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में तय है। संभावनाएं हैं कि यह बैठक स्वतंत्रता दिवस के बाद ही हो सकती है। हालांकि इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन घटक दल राज्यवार आकलन करने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तैयार हुआ नया गठबंधन इंडिया एकता को लेकर काफी गंभीर है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन में है। इन पांचों राज्यों में 161 सीटें हैं। बिहार में जेडीयू और महाराष्ट्र में शिवसेना चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल हुई। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा, इसके बावजूद सीट बंटवारे में कोई खास मुश्किल नहीं होगी। केरल में कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन में है और इसी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इसके साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों की 235 सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा सहित दक्षिणी राज्यों में इंडिया में शामिल दूसरी पार्टियों का कोई खास जनाधार नहीं है। ऐसे में इन सीट पर कांग्रेस का दावा मजबूत है। दिल्ली और पंजाब में प्रदेश कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ है। पार्टी के एक नेता के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस नेताओं से चर्चा के बाद कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस गठबंधन को लेकर काफी गंभीर है, इसलिए वो खुले दिल के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करेगी। इसके लिए दूसरे घटक दलों को भी कांग्रेस की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।